हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज शुरू करते हैं। भारत पाकिस्तान मैच के बाद ऐसी तस्वीर शेयर की गई, ट्रोल हुई एक्ट्रेस। यूजर बोला, अनुष्का गुस्सा हो जाएगी। मैच के बाद उर्वशी रौतेला ने विराट कोहली के स्टैचू के साथ एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की है। इस तस्वीर में उर्वशी विराट कोहली के गले लगे हुए हैं। उर्वशी की इस तस्वीर को पोस्ट करते ही ट्रोलर्स के निशाने पर वो आ गई। एक यूजर ने लिख डाला कि अनुष्का गुस्सा हो जाएंगी उर्वशी। वहीं दूसरे ने लिखा, कृपया विराट कोहली को परेशान न करें, मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है। एक और यूजर ने लिखा कि अनुष्का शर्मा आपकी लोकेशन जानना चाहती हैं। एक यूजर ने कमेंट करके लिखा कि विराट कह रहा है छोड़ दो मुझे, अनुष्का मार डालेगी। इस तरह के कमेंट शेयर किए जा रहे हैं और उर्वशी को ट्रोल किया जा रहा है। ये पहला मामला नहीं है जब उर्वशी रौतेला यूजर्स के निशाने पर आई हैं। इससे पहले भी उर्वशी कई बार सुर्खियां बटोर चुकी हैं। बीते दिनों उर्वशी और बोनी कपूर का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो के बाद बोनी कपूर ट्रोल हुए थे। ये वीडियो मुंबई के एक अवार्ड फंक्शन का था। इस फंक्शन में उर्वशी पहुंची थी। उर्वशी मीडिया को पोज देती नजर आई, फिर उन्होंने बोनी को देखा, उनसे मिलने पहुंच गए, फिर दोनों ने साथ में पोज दिए। इस दौरान बोनी ने उर्वशी की कमर पर हाथ थपथपाया और बाय बोलकर आगे बढ़ गए। इस वीडियो को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने बोनी कपूर को ट्रोल करना शुरू कर दिया। एक सोशल मीडिया यूजर ने लिखा कि क्या बोनी कपूर ने वाकई उर्वशी रौतेला के पीछे हाथ मारा या फिर मैं गलती कर रहा हूँ। एक अन्य यूजर का कमेंट आया, बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, फिर शायद गलती से किया हो या जानबूझकर। हालांकि उर्वशी ने ट्रोलर्स को ट्वीट करके एक करारा जवाब जरूर दे दिया। तो कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके आप जरूर बताएं।